आज हम सब लोग यहाँ पे मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं। एक तो मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घटी वो बेहद दर्दनाक हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के MLAs जो कह के यहाँ से सदन छोड़ के बाहर चले गए और बाहर जाके चैनलों पे बाइट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। मैं ये सोच रहा था, ये सारे चैनलों पे भी चल रहा है, सारे चैनलों पे चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो विधानसभा छोड़ के ये कह के चले गए कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। पूरे देश में इस टाइम टीवी चैनलों पे ये चल रहा है और मणिपुर के लोग भी ये देख रहे होंगे। और जब मणिपुर के लोग ये देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए विधायक, दिल्ली के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक साफ साफ ये कह रहे हैं कि मणिपुर से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। अध्यक्ष महोदया, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक नहीं कह रहे, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी इनकी सारी सरकारें और उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना देना नहीं। जब से मणिपुर की घटना घटी है प्रधानमंत्री जी चुप हैं। मणिपुर के अंदर 6500 FIR हो गई 190 दिन के अंदर, 3 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में 6500 FIR हो गई, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मणिपुर में 4000 लोगों के घर जला दिए गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 60,000 लोग बेघर हो गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 350 धार्मिक स्थल जला दिए गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। केंद्रीय फोर्सेस, आसाम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच में खुलेआम झगड़ा हो गया और गोलाबारी हो गई जो आज तक भारत में कभी नहीं हुई कि सेंट्रल फोर्सेस और लोकल पुलिस के बीच में झगड़ा हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर भारत की थू-थू हो रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इस पर चर्चा हुई, अमेरिका के अंदर इस पर चर्चा हुई, वहां के नेताओं ने इसकी थू-थू की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और एक दिन जब एक वीडियो चारों तरफ सर्कुलेट हुआ जिसमें हमारी 2 या 3 बहनों को निर्वस्त्र करके सड़क के ऊपर घुमाया गया और उनके साथ खुलेआम सरेआम कई लोगों ने मिलकर गलत काम किया, तब भी प्रधानमंत्री जी चुप रहे। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यहां तो ये रोज ही हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री एक पिता के समान होता है सबके लिए। वो जो बेटियां जिनके साथ ये गलत काम किया जा रहा था, या जितनी इतनी बेटियों के साथ, उनके मुख्यमंत्री का, बीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये तो रोज हो रहा है यहां पे। लोग प्रधानमंत्री को रोज याद नहीं करते। आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी, घर में पानी नहीं आ रहा, तो लोग प्रधानमंत्री को याद नहीं करते। प्रधानमंत्री को याद तब करते हैं जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब आदमी याद करता है यार मेरा प्रधानमंत्री मेरे को बचाएगा। उन महिलाओं के लिए तो सब कुछ फेल हो गया था जिनको निर्वस्त्र करके वहां पे खुलेआम सड़कों पे घुमाया गया और खुलेआम उनके साथ गलत काम किया गया। वो तो बेटियां हैं हमारे देश की, वो तो प्रधानमंत्री जी की उम्र के हिसाब से वो तो उनके पिता समान है। पोजीशन के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी प्रधानमंत्री तो उनके पिता समान है। और जिस दिन अगर बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही है और बाप कहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेटियां कहां जाएंगी? बाप अगर ऐसे मौके पे मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहां जाएंगी? मैं देख रहा था एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो मणिपुर का रहने वाला, उसका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था। वो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त होता था, अंधभक्त होता था। उसका पिछला ट्विटर अकाउंट उठा के देखो, उसने मोदी जी के लिए अंधभक्ति में पिछले कई सालों से खूब ट्वीट किए हुए हैं। वो रो रहा था उस वीडियो में।
और रोते हुए कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी, मैंने नहीं सोचा था कि आप हमें इस तरह से धोखा देंगे, मैंने नहीं सोचा था कि आप हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे, आप हमें हमारे हाल पे इस तरह से छोड़ देंगे। ये सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये अकेला प्रधानमंत्री आज जो पिछले 9 साल में 50 बार नॉर्थ ईस्ट गया था। अध्यक्ष महोदया, हमारा कोई रिश्तेदार हमारे खुशी के मौके पे तो रोज आए, लेकिन जिस दिन मुसीबत हो उस दिन मुंह मोड़ ले। तो आदमी तो असली दोस्त तो वही होता है ना जो मुसीबत में काम आता है, असली साथी वो थोड़ी होता है जो कि शादी ब्याह में। तो जब हमारे घर में मुसीबत आई, जब मणिपुर के अंदर मुसीबत आई, जब मणिपुर जल रहा था, लोग मर रहे थे, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा था, तब आपको सुध नहीं आई, तब आप अपने कमरे के अंदर कुंडी मार के बैठ गए। पूरा देश इस टाइम स्तब्ध है और पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है। प्रधानमंत्री ना कुछ कर रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है, ये पूरे देश के अंदर इस वक्त चर्चा का विषय है। और ये पहली बार नहीं है, पिछले 9 साल के अंदर जब जब इस देश के ऊपर आपदा आई, जब जब इस देश के अंदर कोई आपदा आई, ये प्रधानमंत्री चुप हो गए, अपने कमरे में जाके अंदर कुंडी मार के बैठ गए। ये प्रधानमंत्री मैदान छोड़ के भाग गए, ये प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए, लोग चिल्लाते रहे। जब चाइना पिछले 9 साल से चाइना हमें आंख दिखा रहा है, जब देखो चाइना हमें आंख दिखा रहा है, प्रधानमंत्री जी चुप है, प्रधानमंत्री जी के मुंह बंद है, प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकलता इस प्रधानमंत्री के मुंह से। मेरे को याद है अक्टूबर 2019 में चाइना के राष्ट्रपति इंडिया आए और इंडिया के अंदर तमिलनाडु में महाबलेश्वर में दोनों हाथ में हाथ मिला के, चाइना के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री हाथ में हाथ मिला के महाबलीपुरम के मंदिर में घूम रहे थे, उसके फोटो खींचे गए अक्टूबर 2019। और 15 जून 2020 को चाइना की फौजों ने गलवान घाटी पे हमारे ऊपर हमला करके हमारे 20 सैनिकों को मौत के घाट पहुंचा दिया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर मतलब दिल्ली 1400 स्क्वायर किलोमीटर है, दिल्ली से डेढ़ गुना इलाका चाइना के फोर्सेज ने कब्जा कर लिया हमारा। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अफवाहें लेके कई लोगों का दावा है, अफवाहें कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो इन्होंने हमारा कब्जा किया है अंडर हैंड डीलिंग करके, कोई चुपके से डील हुई है और शायद इन्होंने ये उनको दे दिया है, उनसे संदिग्ध। अध्यक्ष महोदय, सबसे शर्मनाक बयान, अभी फरवरी के महीने में हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का आया, उन्होंने कहा दे आर द बिगर इकोनॉमी, चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूं। अरे यार, हमारे देश का विदेश मंत्री कहता मैं क्या करूं, एज अ स्मॉलर इकोनॉमी I am going to pick up a fight with the bigger economy. It is not a question of being reactionary. It's a question of common sense. ये हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी के अफसरों ने लिखा, एक मेजर जनरल शैल झा हैं, उन्होंने ट्वीट किया, मिस्टर जयशंकर शुड नो that it's not India but China which is picking up the fight. Economy or no economy, if we bow down to a bully, we are abandoning our self-respect. Is it acceptable? What a shame. It's cowardice. ये लोग पानी पी पी के जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं, कम से कम उस जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की आंखों में आंखें डाल के उनके साथ युद्ध तो किया था, इन्होंने तो देश को सरेंडर कर दिया चाइना के सामने। और उन्होंने हमारा हमला किया, हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ले लिया,
इन्होंने बदले में चाइना को इनाम दिया। 2018-19 में चाइना के साथ हमारा ट्रेड, हमारा व्यापार 87 बिलियन डॉलर्स का था, उसको डेढ़ गुना करके 22-23 में ये 114 बिलियन डॉलर का व्यापार हो गया। मैं आज देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको धंधा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, आपको बिजनेसमैन प्रधानमंत्री चाहिए, या देश की रक्षा और देश का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री? सब लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। अगर हम एक ही काम कर देते, इसमें डरने की क्या बात थी। हम चाइना से इतना माल इंपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आंख दिखाने की हिम्मत तो दिखाओ। हाथ में हाथ डाल के मंदिर में घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी करने के लिए तो आपको आंखें दिखानी पड़ती है।